आज का ये कार्यक्रम जैसा कि बताया गया है, ट्रैफिक के जो भी नियम है, किस तरह से इसको प्रोत्साहित करना आप सब लोगों पे और खासतौर से जो युवा जनता वहाँ बैठी हुई है, मैं जितने भी नियम हैं, कायदे कानून हैं ट्रैफिक के, उन सब का पालन करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना रहा है कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ, उस देश के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, कि लोगों के बारे में मुझे जो पहली जानकारी मिलती है वो इस दिशा से मिलती है कि उनके देश में, उनके प्रांत में, उनके क्षेत्र में ट्रैफिक कैसे चलता है। जब मैं देखता हूँ कि एक नियमित रूप से कानून का पालन करते हुए वहाँ का ट्रैफिक चलता है, तब मुझे एहसास होता है कि यहाँ की जनता, यहाँ का देश जो है उसका चरित्र कैसा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसी बात को हम अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र का पालन करें, तो जितने भी विदेशी यहाँ आते हैं और जितने भी यहाँ देशी हैं, उन सब के मन में एक ऐसी धारणा होगी कि हमारा देश एक अनुशासित देश है और इस पे हमको बड़ा गर्व है। बहुत सारी बातें अभी बताई गई, जो लोग लाइसेंस देते हैं गाड़ियों का, वो किस तरह उनको मिलता है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, कितना उनका अनुमान लगाया जाता है कि वो सही ढंग से गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं, जितने भी नियम हैं वो उनको पता है कि नहीं। मैं अमेरिका न्यूयॉर्क में कुछ महीने रहा और मुझे लगा कि मुझे यहाँ गाड़ी चलानी चाहिए, तो जब मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया और पता लगाया कि कैसे मिलता है लाइसेंस, तो पहले ही पता चला कि वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर आपको 3 महीने भर्ती होना पड़ा है और 3 महीने आपको ट्रैफिक के बारे में शिक्षा दी जाएगी। 3 महीने शिक्षा के बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उस इम्तिहान में यदि आप पास हो गए, उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो आपको सड़क पर ले जाएंगे और तकरीबन 6-7 महीने आपको लगते हैं जब तक कि वो आप इम्तिहान पास नहीं कर लेते। इतनी दृढ़ता के साथ वहाँ पर एक ट्रैफिक लाइसेंस मिलता है किसी को गाड़ी चलाने के लिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाता है, किसी को कुछ दे दिला दिया और ट्रैफिक लाइसेंस मिल गया। कई बार उनका इम्तिहान भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता कि उनको कानून कायदे मालूम है या नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है, जितने भी विभाग हैं जो कि लाइसेंस देने का काम करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना और अनुरोध है, कृपया पूरी तरह से उनका इम्तिहान लें, ताकि जितनी भी दुर्घटनाओं के बारे में अभी यहाँ पर लोगों ने बात की है, उनसे सब लोग बचे हैं।